should be over. So, अभी से सॉल्व करो ताकि नया चैप्टर स्टार्ट हो उससे पहले आप डिस्कशन करके खत्म करके रखो सारी चीजें. नया चैप्टर के टाइम पे आप सॉल्विंग मत करते बैठो. एंड वी विल स्टार्ट विद द डीपीपीज नाउ, क्योंकि अभी काफी आइसोमेरिज्म हो गया है, जीओसी हो गया है और ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अभी वीक में 3 डीपीपीज वी विल स्टार्ट विद. चालू है क्या डीपीपीज? जीओसी का मतलब आपका ऑर्गेनिक का चालू है? नहीं हुआ है. ऑर्गेनिक है उसमें? आते हैं ऑर्गेनिक के, आते हैं सवाल. ठीक है, फिर आ रहा है तो अच्छी बात है. हाँ, कम है, उसके क्वेश्चंस कम है. ठीक, टोटल क्वेश्चन कितने रहते? 15 में से एक या दो आ रहे हैं. उसमें आईपीएससी नॉमिनक्लेचर का आ रहा होगा कि अभी तक जितना लिया है सब आ रहा है. हाँ हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ अभी थोड़ा उसका नंबर बढ़ा देंगे, चार पांच क्वेश्चंस कर देंगे. मतलब अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे तो 5 क्वेश्चंस करने के लिए बोलता हूँ मैं सर. थ्योरी बार बार पढ़िए, थ्योरी जो भी नोट्स में है वो बार बार पढ़िए, तभी चीजें फिक्स होगा. फिक्सेशन चीजें आने तब लगेंगे जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे. हो गया सॉल्व सबका? कितने हो गए? कीजिए फास्ट, दोनों कंप्लीट कीजिए.
करें, डिस्कस करें, हो गया सबका? नहीं हुआ है? कितनों का नहीं हुआ अभी तक? करो, अभी हुआ सबका? कोई है जिसका अभी भी बचा हुआ है सॉल्व होना? एनीवन? हो गया सबका? करे स्टार्ट एवरीवन। चलिए आप बताइए फर्स्ट कारण। अल्फा हाइड्रोजन इंडक्टिव तो बाद की बात है, इंडक्टिव से भी वही होने वाला है, ए ही होने वाला है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी मोर पावरफुल इफेक्ट। तो यहां पर है 9 अल्फा, 6 अल्फा, 3 अल्फा एंड 0 अल्फा, है ना? सो ऑर्डर इज ए बी सी डी। अगर आप ये बोलो कि सर इंडक्टिव में भी तो यही हो रहा है, हां होने दो, अच्छी बात है कि नहीं? इंडक्टिवली भी ये सारे सब सप्लाई कर रहे हैं, बट इंडक्टिव एक छोटा इफेक्ट है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। सबसे ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड हो सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा, है ना? क्लियर है? तो फिर डिसाइड किससे हाइपर कॉन्जुगेशन? रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं, फिर क्या आएगा? इंडक्टिव। तो इंडक्टिव में यहां पर कौन सा, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस दिखाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा ये कौन सा दिखाएगा, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस या प्लस? माइनस, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है वो खींच रहा है ना? जब ये खींच रहा है तो ओवरऑल यहां पर एक थोड़ा सा डेल डेल प्लस आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट सेम है बट इंडक्टिवली ये थोड़ा पुल करेगा। पोलराइजेशन इज ऑलवेज इन अ सिंगल डायरेक्शन, बताया था। तो अगर फ्लोरीन खींच रहा है, डेल प्लस है, तो अब ये सप्लाई नहीं कर सकता है, या तो खींचेगा या तो सप्लाई करेगा, दोनों नहीं होगा। क्लियर है? तो एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है। तो सबसे पावरफुल यहां पर भी डेल डेल प्लस आएगा और यहां पर भी डेल डेल प्लस आएगा। क्या तीनों डेल डेल प्लस जो है वो सेम क्वांटिटी के होंगे? नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? पावर ऑफ माइनस आई। तो सबसे पावरफुल कौन है? NO2। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा? NO2 वाला। C की स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी, फिर किसकी? B की या D की? B, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन OH। सो बी, बी के बाद डी, हां डी, और डी ए सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर है ये? ओके, कुछ दिक्कत? चलिए थर्ड ए बी सी। हां हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है यहां? हां लग रहा है कि नहीं? हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है तुमको? और किधर लगा रहे हो यार कुछ भी? हाइपर कॉन्जुगेशन सी एच थ्री डबल बॉन्ड है क्या जो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा यहां पर? जानबूझ के ये मैंने दोनों क्वेश्चन दिया है ताकि कम से कम दोनों क्वेश्चन देखने के बाद तो समझ में आना चाहिए था कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि नहीं? अरे हाइपर कॉन्जुगेशन लगने के लिए यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तब तो ये माइनस यहां आएगा और ये माइनस यहां जाएगा। बिना कॉन्जुगेशन के आ जाएगा माइनस,
यहां इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है ना, ये देगा भी तो भी नहीं ले सकते ये, तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? केवल इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन ये सप्लाई करेगा, यहां है एच, लेकिन तीनों जगह पे तो सेम है फिर, सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट गोइंग टू डिसाइड, देन हु विल डिसाइड? व्हाट इज द डिफरेंस? इंडक्टिव, व्हिच हैव मोर इंडक्टिव इफेक्ट? CT3, CD3 और CH3 में, सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस। यहां पर फोर्थ में ABC, क्यों? यहां हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है। एच डी और टी में एच ज्यादा दिखाता है एज कॉम्पेयर टू डी, एंड डी ज्यादा दिखाता है एज कॉम्पेयर टू टी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? अच्छा, कैसे डिसाइड कर रहे हो आप? डेल प्लस यहां आ रहा है ना, तो यहां पर डेल डेल प्लस आएगा, यहां पर डेल 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 प्लस आएगा और यहां पर डेल प्लस आएगा। अब ये जो डेल, ये फ्लोरीन सबको तो कार्बन से इक्वली खींचने वाला है, तो सबसे बड़ा डेल प्लस कहां पर होगा? इस जगह पे, सी पे। डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, जितना क्लोज होगा उतना स्ट्रांगली खींचेगा, जितना दूर होगा उतना कम खींचेगा, और अगर कोई खींच रहा है तो वो उसको अनस्टेबल करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? बी। यार किधर, तुम कौन से दुनिया में हो? बी, फिर उसके बाद ए, फिर सी। क्लियर है क्या? डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर। तो जितना सामने होगा, जैसे प्लस आई वाला जितना सामने होगा वो कार्बोकेटाइन को उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, लेकिन इंडक्टिवली अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो जितना सामने होगा वो कार्बोकेटाइन को उतना ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उतना ज्यादा स्टेबलाइज कर देता। हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाँ, अब ये इसके लिए सवाल डाला था कि एक एक कंफ्यूजन आया होगा कि सर यहां पर 2 अल्फा 2 अल्फा और 1 अल्फा, तो उसके बेसिस पे अब ये बात समझो कि हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते समय अगर किसी के पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाता है तो इसका एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब तो देगा जब उसके पास देने की कैपेसिटी, अगर कोई इससे पहले खींच रहा है तो अपनी इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के रखेगा, देने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए कभी भी जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाने वाले ग्रुप है वो एच या फिर CH3 जैसा होना चाहिए। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर जुड़ गया है तो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर, इंडक्टिव से भी छोटा हो सकता है वो। समझ रहे क्या? हाँ, तो ये आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर सी को सबसे अनस्टेबल, वैसे भी अनस्टेबल ही है इस केस में भी, है ना, बट लॉजिकली अगर ऐसा होता कि चलो अभी उस तरह के क्वेश्चंस और लेते हैं जो जिसमें क्लियर हो जाएगा आपको। चलो इस केस में बताओ कौन सा, क्या है कारण? डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, इंडक्टिव, तो ये सप्लाई करेगा है ना, CH3 ग्रुप है तो सप्लाई करेगा, तो डेल माइनस यहां, फिर डेल डेल माइनस यहां, तो ये जितना दूर जाएगा उतना कम स्टेबल करेगा उसको, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस। अच्छा, इस केस में सी, ए क्यों नहीं? ए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा, दिखा रहा है ना हाइपर कॉन्जुगेशन, ए दिखा रहा है ना हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां से दिखाया डबल बॉन्ड, यहां माइनस आया, और ये दिखाया तो भी माइनस, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव चार्ज दोनों में बराबर आएंगे, तो फिर ए और सी में, और यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं, तो बी सबसे लास्ट में, ये तो पक्का। अब ए और सी में कौन ज्यादा? क्यों ए? इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो इंडक्टिव डिसाइड करो। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से माइनस और माइनस सेम क्वांटिटी में आएगा, इसमें किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो बोला सर हाइपर कॉन्जुगेशन तो माइनस माइनस सेम आ रहा है और यहां कोई माइनस नहीं आ रहा है, माइनस यहां माइनस यहां माइनस यहां,
है कि नहीं? अब हाइपर कॉन्जुगेशन इसको किसी तरह से स्टेबलाइज नहीं करेगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इस केस में और इस केस में स्टेबलाइज करेगा। बोला हाइपर कॉन्जुगेशन से दोनों की स्टेबिलिटी सेम आनी चाहिए, लेकिन केवल हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के तो नहीं रुक सकते। अब ये यहां पर है और यहां पर है, तो इंडक्टिवली देखो हाइपर कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन से लगता है और इंडक्टिव सिग्मा से लगता है, तो दोनों अपना अपना ऑपरेशन होगा, है ना? तो ये लेके आएगा डेल माइनस और ये एक लेके आएगा डेल डेल माइनस, जबकि ये लेके आएगा डेल माइनस डेल डेल माइनस डेल 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 माइनस, और थर्ड के बाद तो ये ऑलमोस्ट डाई आउट। तो ए इज मोर स्टेबल देन सी, सी इज मोर स्टेबल देन बी। कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत किसी को? कुछ डाउट है क्या? बोलो, इतने में किसी को कुछ डाउट है? थोड़े और क्वेश्चन देता हूं, रब करूं ये, रब करूं? देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। अब मुझे बताओ इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आपको क्या लगता है ये बताओ, उसके बाद कुछ इस पे ऐड करूंगा मैं। सो व्हाट आई सेड, डिस्टेंस नंबर पावर रूल विच इज कॉल्ड एज डीएनपी रूल। तो ये डीएनपी रूल है क्या? सबसे पहला प्रेफरेंस डिस्टेंस, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग और विड्रॉइंग ग्रुप, एंड एट लास्ट द पावर ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है ना? तो लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट टेक इट डाउन एंड देन आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। तो यहां पर बताया मैंने, क्या बताया था आंसर? व्हाट व्हाट्स द आंसर? बी ए सी। कुछ क्वेश्चंस लिख लो और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस।
सॉल्व दिस फोर क्वेश्चंस. सेकंड हो गया किसी का? सबका हो गया सेकंड? क्या ऑर्डर लग रहा है आपको बताओ? आ ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? डिस्टेंस इसका तो 2 है और इसका 3 है ना. इस जगह पे 2 2 और इस जगह पे 1 2. So, ये बहुत 1-2 मतलब वेरी क्लोज, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी सी. अब इनमें स्टेबिलिटी किसकी कम रहेगी? बी की, क्योंकि दोनों सेकंड पोजीशन पे है. क्लियर है? ये स्ट्रांगली खींचेगा ना दोनों डिस्टेंस. सो बी फिर ए, सो ए बी सी. आया क्या सबका? एवरीवन, खींचने वाले अनस्टेबल करेंगे क्योंकि कार्बोकेटायन है, तो स्ट्रांगली सबसे स्ट्रांग कौन खींचेगा? सी. सो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा सी, फिर होगा बी, फिर होगा ए. चलो थर्ड हुआ सबका, कीजिए थर्ड, कीजिए फोर्थ, कीजिए फास्ट. हो गया सेकंड? अभी हुआ सबका? एवरीवन, सेकंड सबका हो गया, थर्ड, थर्ड, थर्ड हो गया सबका. चलो बताओ मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? हाँ, बी, डी. क्यों? 1-1 है ना, नहीं 2-2. तो ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो बहुत स्ट्रांगली, पावर कम है, डिस्टेंस सामने है ना. तो इसके बाद कौन? डी के बाद सी. क्यों ऐसा? नंबर, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका और इसका सेम है, ये इससे तो पावरफुल है ही है ना. सो सी, सी के बाद ए. क्यों ऐसा? डिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट है ना. अब बोलेंगे सर लेकिन ये बहुत बड़ा पावरफुल है और ये छोटा है. बोला छोटा होने के बाद भी डिस्टेंस हैव मोर इंपॉर्टेंस देन पावर. पावर तो लास्ट में है ना. चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया होगा आई थिंक. सबसे ज्यादा स्टेबल सी, रेजोनेंस है ना, सी रेजोनेंस. उसके बाद डी, हाइपर कॉन्जुगेशन. उसके बाद
बी क्यों है? डिस्टेंस है ना, 1 2, और ये ए. सो दिस इज डीएनपी का एप्लीकेशन है ना. बोलिए. ये वाला नहीं समझा, थर्ड का कुछ भी नहीं, कोई भी पार्ट नहीं समझा. नहीं, आपको क्या लग रहा है पहले ऐसे एक्सप्लेन करो तो मुझे समझ में आएगा प्रॉब्लम कहां है. सी में दो है, हां ये दो है, यहां भी दो है और यहां भी दो है. चलिए ये खींचेगा तो स्टेबल करेगा ना. ये डेल प्लस लेके आ रहा है, पहले ये समझो, डेल प्लस लेके आ रहा है तो ये स्टेबिलिटी लेके आएगा, अनस्टेबिलिटी लेके नहीं आएगा. तो यहां दो है और यहां भी दो है, तो ज्यादा डेल प्लस कौन लेके आएगा, ये दोनों या ये दोनों? डर मत, पहले आराम से बातें करो, आराम से जो सोच रहे उसको एक्सप्रेस करो तो मुझे पता लगेगा क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है. आप क्या सोच पा रही है वो बताओ, बोलो. नहीं लगा नहीं, आपको क्या लग रहा है वो बोलो. अभी अभी कैसा आपको क्या लग रहा है इस पे बताओ. ये ज्यादा खींचेंगे तो, ये खींचेंगे तो जैसे कैसे खींचेगा, ये खींचा तो यहां आ गया डेल प्लस और यहां आ गया डेल डेल प्लस, यही लॉजिक है. अब इसने खींचा, यहां आया डेल प्लस, यहां आया डेल डेल प्लस और यहां आया डेल 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 प्लस. ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसको स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा? अनस्टेबल करेगा. क्यों? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहां माइनस है, माइनस पे अगर प्लस आ रहा है तो वो उसको स्टेबल करता है या अनस्टेबल करता है? स्टेबल करता है. यहां तक क्लियर है? अब चलो यहां देखते हैं, यहां डेल प्लस, यहां डेल डेल प्लस, यहां डेल प्लस, यहां डेल डेल प्लस. तो ये डेल डेल प्लस और ये डेल 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 प्लस एंड डेल डेल प्लस, तो ज्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा या इस पे आएगा बोलो? इसमें आएगा. तो जितना बड़ा प्लस आएगा उतना ज्यादा स्टेबल, तो डी ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू सी. क्लियर हुआ? अब आगे का बात करें. हो गया. आगे बढ़े. तो एक डीएनपी रूल इंडक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और रूल है दैट इज कॉल्ड एस ब्रेट्स रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेट्स रूल सिंपल सा एग्जांपल है. क्या है देखो, ब्रेट्स रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड है, अगर आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बोलता है ब्रिज हेड पे बाईसाइक्लो कंपाउंड है, सबसे पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड है और यहां पर किसी में भी तीन कार्बन नहीं है, किसी भी ब्रिज पे तीन कार्बन नहीं है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन या चार कार्बन, बड़ा लेंथ नहीं हो कभी, है ना. जैसे ऐसा हो, एक हो, दो हो, इस तरह के केसेस हो, तो बोल रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज रेडिकल या पाई बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होगा. ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल या पाई बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होगा या फॉर्म ही नहीं होना चाहेगा. क्यों ऐसा? लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि कार्बोकेटायन मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल. अगर ये 120 डिग्री में तो ये इससे एक ही कार्बन है, ये जुड़ नहीं सकता इससे. समझ रहे क्या? ये ऐसा है. अब ये कैसे जुड़े वहां से आके? कार्बोकेटायन नहीं बन सकता sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देन फ्री रेडिकल नहीं बन सकता sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो ये तीनों नहीं हो सकते. लेकिन अगर sp3 है तो sp3 के केस में एक इधर और एक इधर, तब आके जुड़ सकता है, स्ट्रेन होगा लेकिन जुड़ सकता है. क्लियर है? लेकिन अगर ये बहुत बड़ा हो जाता, ऐसा हो जाता 4-5, तो ये जुड़ जाता ना. कार्बोकेटायन होने के बाद भी इसे कोई दिक्कत नहीं होती. समझ में आ रहा है क्या? तो जनरली दो कार्बन तीन कार्बन वाला ही ब्रिज अगर है आपके पास, दो कार्बन एक कार्बन वाला, तो ब्रिज हेड पे कभी भी कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल या पाई बॉन्ड नहीं बनता है. अगर वो बनेगा तो हाईली अनस्टेबल रहेगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन.
दिस इज कॉल्ड ब्रेट्स रूल. तो लिखिए ब्रेट्स रूल को, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल. फॉर्मेशन ऑफ ब्रेट्स रूल क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड एट ब्रिज हेड पोजिशन इज नॉट पॉसिबल. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड एट ब्रिज हेड कार्बन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल. इज नॉट पॉसिबल कहां, एट ब्रिज हेड ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन. तो कभी भी अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है और ब्रिज हेड पे बना दिया, जैसे मैं पूछूं कि बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलेंगे दिस इज मच स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर एंगल स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है ना. आप हाइपर कंजुगेशन हम नहीं देखते बैठेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा. या आप बोलेंगे दो दो चार और दो छह और यहां पर दो और एक तीन, सो आप बोलेंगे ये तीन और यहां छह, तो बोला ये पॉसिबल नहीं है. ब्रिज हेड पे केवल हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, आपको बाकी भी चीजें देखनी पड़ेगी. तो ब्रिज हेड पे एंगल स्ट्रेन बहुत बड़ा हो जाता है और वो स्टेबिलिटी और काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है. इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का जो थ्योरी होता है वो खत्म हुआ पूरा. तो हमारा रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये थ्योरी खत्म हुआ. अब उसके एप्लीकेशंस, अब मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, सबका एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस देखेंगे. देन वी विल गो फॉर एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट देखेंगे, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पे बात करेंगे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट. अब जो बचे हुए छोटे छोटे पार्ट बचे हुए, एक एरोमेटिक को बड़ा लगता है टाइम, तीन दिन चार दिन लगता है, क्योंकि उसमें मैं 50-60 प्रॉब्लम्स करवा के लेता हूं. क्योंकि अभी जैसे आपने पूछा था सर नेफ्थलीन का कैसे बनाएंगे, एंथ्रासीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, तो वो सारा डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनता है, एरोमेटिक कौन होता है कौन नहीं होता है, कैसे जज करेंगे. तो उसको तीन दिन चार दिन का टाइम लग सकता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट मोस्टली अ वीक और इट मे एक्सटेंड फॉर 1-2 more days इन द नेक्स्ट वीक, बट विल बी एबल टू कंप्लीट. सो स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बुक्स यू हैव एंड थ्योरी बार बार पढ़ो.